एफसीआई स्कैम यानी भारतीय खाद्य निगम घोटाला, जिसे लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक साथ छापेमारी की। सीबीआई ने 50 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें एफसीआई के डीजीएम के साथ अनाज मिल मालिकों और कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा। एफसीआई के डीजीएम क्वालिटी कंट्रोल राजीव कुमार मिश्रा, जीएम लेबोरेटरी संजय कुमार वर्मा और कुराली खिजाराबाद के शैलर मालिक रविंदर सिंह खेड़ा को चंडीगढ़ सेक्टर 43 जिला अदालत में बनी सीबीआई कोर्ट में कड़ी निगरानी में पेश किया गया। एफसीआई स्कैम क्या है वो भी समझिए। सीबीआई की छापेमारी के पीछे एफसीआई के डीजीएम के मिलर्स के साथ घटिया क्वालिटी का अनाज सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि मिलर्स के साथ मिलकर घटिया क्वालिटी का अनाज सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले में एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्त में आए तीनों आरोपी 2 बार 9 दिन से सीबीआई के पास रिमांड पर चल रहे हैं। बहरहाल सीबीआई को 3 दिन का रिमांड हासिल हो चुका है। अब देखना ये होगा कि 3 दिन के रिमांड के दौरान पूछताछ में और क्या खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।